भी करता हूँ। पिछले टेस्ट में मेरे 90% मार्क्स आए थे। आप चाहो तो देख भी लो। तेरे को देख के लगता तो नहीं है कि तेरे 90% मार्क्स आए थे, फिर भी तू कह रहा था मान लेती हूँ। आजकल बच्चों ने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सब बच्चों के नंबर काफी कम आ रहे हैं। सारे बच्चों की लिस्ट मंगवानी पड़ेगी। रामू, रामू, क्यों नहीं रही? ए रामू, इधर। जी सर। इतनी देर कहाँ लगा देती हो बेटा? जाओ और सब बच्चों को ऑनलाइन अटेंडेंस रजिस्टर लेके आओ। जाओ, शाबाश शाबाश। लीजिए सर। थैंक यू बेटा रामू, जाओ। अरे ये कौन सा बच्चा है जुगनू, जिसने पिछले एक महीने में एक भी क्लास नहीं ली और इसके नंबर भी काफी कम है? ये जुगनू की तो पेरेंट से बात करनी पड़ेगी। रामू। जी सर। बेटा फोर्थ क्लास का एक स्टूडेंट है जुगनू, मुझे उसके पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर ला के दो, मुझे उनसे बात करनी है। जाओ बेटा। ये जुगनू ही घर तो फोन करके बात करनी पड़ेगी। नमस्कार। नमस्ते कुमार गोली, और बताओ कौन बोल रहे हो? जी मैं वही स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। कौन से स्कूल के प्रिंसिपल बोल रहे हो? जी मेरा मतलब है मैं वही पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। अच्छा तो ऐसे बोलो ना कि जो नए स्कूल से बोल रहे हो, बताओ क्या बात है? अरे क्या बात हो गई, स्कूल से फोन क्यों हो गया? जी बात यह है कि जुगनू ने पिछले एक महीने में एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। तो कैसे क्लास लेगा, स्कूल तो बंद है। जी माफ कीजिए। ऐसी गलती क्यों करते हो, तो बार बार माफी मांगनी पड़े। बड़ी तमीज औरत है, इसको तो सीधा करना पड़ेगा। जी मोहतरमा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सोनाक्षी, मेरी बात ध्यान से सुन। पिछले एक महीने से जुगनू ने एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं ली है और हर पेपर में फेल हो रहा है। तुम ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चे पे क्या? तो बहुत खतरनाक आने लगता है। पर जुगनू तो कैसा ही, वो उसके पिछले टेस्ट में 90% मार्क्स आए हैं। जी नहीं मोहतरमा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जुगनू के किसी भी टेस्ट में 90% मार्क्स नहीं आए, उल्टा वो तो फेल हो चुका है। इसलिए हम उसे एक हफ्ते के लिए ऑनलाइन टीचिंग ग्रुप से निकाल रहे हैं। हनी हनी, निकाल दो, मैं तो कहती हूँ उसको स्कूल से निकाल दो। जैसा आप मुनासिब समझे मोहतरमा, आप कहती है तो मैं जुगनू को स्कूल से ही निकाल देता हूँ। निकाल दिया मैंने उसे एक महीने के लिए स्कूल से। तू तो कहते तू पढ़ाई में बहुत होशियार है, अभी तेरे स्कूल से फोन आया था, निकाल दिया तेरे को स्कूल से। अरे दीदी क्या बात कर रहे हो, स्कूल से निकाल दिया सच में? ज्यादा खुश मत हो, कोई मेडल नहीं मिला तेरे को। 4 बज रहे हैं, तेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, चल। अरे हाँ दीदी, आ रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग जुगनू, आओ आओ। अरे तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, लेकिन ये हुआ कैसे, ये तो बताओ। सर मैं हूं ना कमाल। तुम ना पागल तो नहीं हो गए हो क्या? लेकिन जुगनू तुम्हें स्कूल से निकाला क्यों? स्कूल से निकालेंगे ना, हर टेस्ट में फेल हो गया, क्लास लेते नहीं है। लेकिन अब आगे क्या करना है? हेलो कुमार स्पीकिंग। अरे कुमार कैसे हो, पहचाना कि नहीं? अरे ट्यूशन टीचर कैसे हो, बहुत समय बाद फोन किया, कैसी याद आ गई आज हमारी? फालतू बातें क्यों कर रहे हो, जूनियर स्कूल के एडमिशन की बात।
अच्छा कुमार, तुम्हारे स्कूल में फोर्थ क्लास में एक लड़का पढ़ता है, जुगनू। हाँ, हमारे स्कूल में एक जुगनू नाम का बच्चा पढ़ता है, बहुत ही नालायक है। एक महीने से कोई क्लास नहीं ली और हर पेपर में फेल हो गया है, इसलिए मैंने उसे एक महीने के लिए स्कूल से ही निकाल दिया। पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे असल में वो मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ता है। अच्छा, वो तुम्हारे पास पढ़ता है तभी इतना नालायक है, अब मैं समझा। अरे कुमार, मजाक की बातें छोड़ो और उस बच्चे को वापस अपने स्कूल में ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको बिल्कुल अपने स्कूल में वापस नहीं लूंगा। और मैंने तो अपने टीचर से ये भी सुना है कि ऑनलाइन क्लास में जब वो आता है तब ना तो खुद पढ़ता है और ना ही दूसरे बच्चों को पढ़ने देता है, तो तुम बताओ मैं उसको कैसे वापस लूं? अच्छा, तो ऐसी बात है। सोनाक्षी दीदी, एक तो वो इसको स्कूल में वापस नहीं ले रहे, ऊपर से ये कह रहे हैं कि जब भी ऑनलाइन क्लास में आता है बहुत शैतानी करता है और बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। देखिए मोहतरमा, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जुगनू को एक महीने से पहले अपने स्कूल में वापस नहीं ले पाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जुगनू को अपने स्कूल में एडमिशन दो। ठीक है मोहतरमा, अगर आप इतनी विनती कर रही हैं तो मैं जुगनू को वापस अपने स्कूल में एडमिशन दे देता हूँ, लेकिन आज के बाद उसकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जरा ट्यूशन टीचर को फोन दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हाँ कुमार, कहो। देखो, मैं तुम्हारी कहने भी जुगनू को दोबारा एडमिशन दे रहा हूँ, लेकिन तुम भी आगे से जरा इसकी पढ़ाई का ध्यान रखना। और जरा ध्यान रखना, सोनाक्षी दीदी से मेरी बात मत करवाना दोबारा, बहुत खतरनाक है ये तो। ओके ओके कुमार, मिलते हैं, ध्यान रखना अपना।